papá. Llámame a mí. मजा आ गया यार, मतलब मजा आ गया यार, मतलब वेलकम फैमिली, क्या हाल चाल, दिस इज नक्श मेहरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एपिसोड 2, आपको एपिसोड 1 बहुत पसंद आया होगा आई होप। एंड ये चल रही है हमारी डलहौज़ी सीरीज़, आगे आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि हम राइड को करेंगे थोड़ा सा फास्ट, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ जी, के गाना चाहते हो? हेलो गाइस, हूँ बोल। हाँ जी, हाँ जी, चिंटू नहीं यार, बाज बाज की बाज बाज मैं जख्मिया, कोई प्लीज ना ले यार। हाँ जी, लवप्रीत बोलोगे कुछ? मैं ना पूरी एंड गाल बाद हो गई है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। तो चाय पी ली अब सबने, अच्छे से ब्रेक ले लिया यार, मजा आ गया। बड़ी प्यारी हवा चल रही है और वहां सामने ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी सी ना बर्फ है, वो दिखेगी नहीं अभी तो यहाँ पे इतना, अगर आपको वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत बहुत प्यारी लग रही है यार वो बर्फ ना। अभी निकलते हैं आगे सीधे डलहौज़ी और मिलते हैं आपको। और ये हैं भाई साहब, बड़ी प्यारी चाय बनाते हैं या, थैंक यू, मज़ा आ गया। चलो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को और मिलते हैं सबको कहाँ, बर्फ में। तो
हाँ जी चले चलो चले हाँ जी लव यस सर। तो ब्रेक तो हमने ले लिया है, चाय पी के बड़ा मज़ा आ गया, एकदम फ्रेश फील हो रहा है अभी। राइड को करते हैं कंटिन्यू और अब चलते हैं सीधा डलहौज़ी की तरफ। सबसे आगे चल रहा है हनी, हनी दिख नहीं रहा कहाँ गया एंड आई थिंक काफ़ी गैप डाल दिया उसने बीच में। एंड आगे चल रहा है मेरे गौरव और बाकी लवप्रीत और पिंटू पीछे आ रहे हैं। एंड बहुत मज़ा आ रहा है यार राइड का, मौसम भी साफ है, धूप भी निकली है। और पीछे अंकल ने भी बताया था कि आगे आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलेगी देखने को। और ये मोड़ काटते हुए यार एक चीज़ नहीं समझ में आती कि रोड है या खड्डे ज़्यादा है, क्योंकि रोड तो दिखता कम है, खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जितने भी टू व्हीलर्स में आ रहे हैं वो थोड़ा सा संभल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ख़राब है आगे डलहौज़ी से 30 किलोमीटर तक पहले। थोड़ा सा देख के आएँ, ये देखिए कितने गड्ढे हैं, आगे आपको और भी शायद मिल जाएंगे। ये देखो बात कर रहा था और गड्ढे आ गए। तो यार बी सेफ राइड करें और प्रॉपर गियर राइड पहने। एंड अभी हम आ गए हैं डलहौज़ी। वाह लुक एट से यार, अपने मतलब साइड में देखो कितनी बर्फ़ है। तो भैया बोल रहे थे कि आराम से जाना बिकॉज स्लिपिंग, आई थिंक वो गिर रहे हैं या फिर, तो स्लो ही चलते हैं यहाँ से, पता नहीं रोड के ऊपर कहाँ ब्लैक आइस मिल जाए। तो यार आगे हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा फन बिकॉज आगे बहुत बर्फ़ है, मुझे पता है आगे बर्फ़ होगी यार, जा रहे हैं डलहौज़ी में बर्फ़ ना हो तो ऐसा हो सकता है। एंड आप वीडियो के साथ बने रहना, एपिसोड 3 में बहुत मस्ती की हमने। एंड स्टे ट्यून फॉर द एपिसोड 3। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी आपको एपिसोड 3 में।